हाँ और कॉलोनी उलनी मिला है? कॉलोनी घर उर कॉलोनी मिला मिला है हाँ। तो घूस कितना लगा था, पैसा लगा था कितना, 20,000 के 10,000? नहीं पैसा तो है, हमारा पैसा नहीं लगले। नहीं लगा, सबके पैसा लगता है, आपको नहीं लगा? नहीं हमारा नहीं लगा। ऐसे मिल गया? कौची कौची काम किए हैं मुखिया जी? बहुत कुछ कर दिए हैं, गली कुची बना दिए हैं, अब खाली मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं। नहीं सर, सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, गली बनाए ही बनाए थे। हाँ हम लोग तो सोच रहे कि मुनि देवी के अबर भर जितावे, अबर भर आप चानस दे। अभी मुनि देवी के पास एक गाड़ी है, फिर दो गाड़ी करवा दीजिए। हाँ दो गाड़ी करवाए, तब दो गाड़ी करवाएंगे तब हम लोग कभी दो गाड़ी का चार गाड़ी करवाएगा। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि आते हैं दुख सुख में आते हैं। हाँ आते तो है, साल पर दिखाई देते हैं? नहीं नहीं दिखा देते हैं सर, तब तो एली टाइम मने की 8 दिन पर 10 दिन पर आ जाते हैं। चाय पीते हैं घर आके? जी पीते हैं। पूरा पंचायत में करे कोड़े 250 के लमसम, 250 300 कोड़े दिलवाए। कमीशन कितना आया था इंदिरावास में? हम लोग कमीशन नहीं लेते, बिना कमीशन के कोई अफसर भी नहीं लेता है मेरे मेरे पंचायत में। नहीं लेता है? नहीं, सब लोग घर बनाता है, लेते हैं, बनाता है, बनाता है, खाड़ों के बनवा भी देते हैं। अच्छा गाड़ी के खरीदा है 5 साल? मैं गाड़ी एक को नहीं मेरा है, एक तो मैंने टू व्हीलर हमारा गाड़ी है गले में। स्कॉर्पियो किनका है? या स्कॉर्पियो मेरा नहीं, भाड़ा पर गाड़ी है। भाड़ा पर है? हाँ। अच्छा अभी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ मुनि देवी यहाँ से मुखिया उनके प्रतिनिधि सुरेश पासवान जी मौजूद हैं। सुरेश जी से जानना चाहेंगे कि इनकी पत्नी मुखिया रहते हुए 5 साल में क्या कुछ किया पंचायत में, तमाम मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि अभी मोहनपुर प्रखंड में 8 दिसंबर को मतदान है 10वां चरण में, तो कितना इनको समर्थन मिलता है तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। उससे पहले इनसे जानना चाहेंगे क्या सुरेश जी, अभी आपकी पत्नी यहाँ से वर्तमान मुखिया है, 5 साल के दरमियान क्या क्या काम किए? 5 साल के दरमियान में जो मुख्यमंत्री सात निश्चय से जो योजना खुला, वो हर वार्ड में नली गली फेवर बल्लो कैटर लगवाए और पंचायत से नल जल भी करवाए। कुछ मेरे पंचायत में जो है से कि BHD से भी नल जल हुआ है, अभी ठीक ठाक है। और कॉलोनी कितना लोगों का उपलब्ध करवाए, लिस्ट यहाँ से आपने दिया? कॉलोनी फर्स्ट बार में दिए थे करीब करीब 200-300 के लमसम में कॉलोनी बांट चुके हैं। उन्हें जो शेष हो गया था तो फिर से नाम हर घर में जुड़वाए हैं, जिसका कॉलोनी मिलने लायक है उन व्यक्ति को कॉलोनी का कॉलोनी में सूची में नाम जुड़वाए हैं और उनको पुनः कॉलोनी। इस बार फिर से मुन्नी देवी जीतती हैं, यहाँ से मुखिया बनती हैं, तो क्या क्या करेंगी? मुखिया बनेंगे, जनता हमारा फिर से अगर बनावेंगे, जो भी अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करेंगे। क्या क्या अधूरा रह गया है? अधूरा काम रह गया है, थोड़ा बहुत बच गया है नली, थोड़ा बहुत गली बच गया है, थोड़ा बहुत पेंशन बच गया है, थोड़ा बहुत राशन कार्ड बच गया है, थोड़ा बहुत इंदिरा आवास बच गया है, सबके हम वितरण करवाएंगे। क्या लग रहा है, सब फिर से जीत रहे हैं आपकी पत्नी? हाँ जनता तो मैंने आशीर्वाद दे रहा है कि फिर से मुखिया हम बनावेंगे, अच्छा काम किए हैं। मुनि देवी काम किए हैं मुखिया जी? जी किए। क्या काम किए हैं? गली बना दिए हैं। कॉलोनी वाली दिलवाई है? अभी तो नहीं दिलवाई है, लेकिन दिलवाने वाले है। क्या दादी काम किए हैं मुखिया जी? हाँ। क्या क्या काम किए हैं? यही सब गली थी। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? पेंशन नहीं, पेंशन नहीं मिलता है आपको? मिलता है पेंशन? मिला है। हाँ। मिला है? और कॉलोनी वाली मिला है? कॉलोनी घर उर कॉलोनी मिला मिला है? तो घूस कितना लगा था, पैसा लगा था कितना, 20,000 के 10,000? नहीं पैसा तो है, हमारा पैसा नहीं लगले। नहीं लगा, सबके पैसा लगता है, आपको नहीं लगा? नहीं हमारा नहीं लगा। ऐसे मिल गया? कौची कौची काम किए हैं मुखिया जी? बहुत कुछ कर दिए हैं, गली कुची बना दिए हैं, अब खाली मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं। नहीं सर, सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, गली बनाए ही बनाए थे हमने, कि अब खाली घरे घरे द्वारा दूरा पर सब अपना अपना मैंने लड़ाई कर रही है कि मेरा गली भी बना दीजिए, रोड बनाए आप, गली बनाए कि कौन, तो इसीलिए सबको। फिर से आप लोग जीता रहे हैं मुनि देवी को? हाँ हम लोग तो तैयार हैं। बोलिएगा मुनि देवी फिर से जीत रही हैं? हाँ हम लोग तो सोच रहे हैं कि मुनि देवी के अबर भर जितावे, अबर भर आप चानस दे।
अभी मुनि देवी के पास एक गाड़ी है, फिर दो गाड़ी करवा दीजिए। हाँ, दो गाड़ी करवाए, तब दो गाड़ी करवाएंगे तब हम लोग का भाई दो गाड़ी का चार गाड़ी करवाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि आते हैं दुख सुख में आते हैं। हाँ आते तो है, साल पर दिखाई देते हैं। नहीं नहीं दिखा देते हैं सर, तब तो डेली टाइम मने की 8 दिन पर 10 दिन पर आ जाते हैं। चाय पीते हैं घर आके? जी पीते हैं, हम पिलाते हैं खुद। या फिर से आप लोग जिता रहे हैं इनको, मुनि देवी को? हाँ जिता रहे हैं। कितना लोगों का कोली दिलाए थे सूरज जी? हाँ करीब करीब पूरा पंचायत में करीब करीब 250 के लमसम, 250 से 300 कोली दिलवाए। कमीशन कितना आया था इंद्रावास में? हम लोग कमीशन नहीं लेते, बिना कमीशन के कोई अफसर भी नहीं लेता है मेरे मेरे पंचायत में। नहीं लेता है? नहीं, सब लोग घर बनाता है, लेते हैं के पैसा आता है। हाँ बनाता है, बनाता है, खाड़ों के बनवा भी देते हैं। अच्छा गाड़ी क्यों खरीदा 5 साल? मैं गाड़ी एक को नहीं मेरा है, एक तो मैंने टू व्हीलर हमारा गाड़ी है गले में। स्कॉर्पियो किनका है? या स्कॉर्पियो मेरा नहीं, भाड़ा पर गाड़ी है। भाड़ा पर है? हाँ। अच्छा तो लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी 5 साल में स्कॉर्पियो खरीद लिए, क्या खरीद लिए? नहीं लोग झूठा बोलता होगा, लेकिन हमको तो भी घर भी मैंने कई बार जीतिएगा तो स्कॉर्पियो खरीदिएगा। नहीं स्कॉर्पियो से मतलब नहीं, मेरा जनता खुश रहे, हम जनता को खुश में रखना चाहेंगे और जनता के सेवा में। कितना कितना कमाते हैं? ऐसा लोग बोल रहा है पंचायत में कि मुखिया बहुत रुपया कमा लिया और आप बोलेंगे रुपये नहीं कमाए हैं। हर मुखिया को अलग अलग सिस्टम, लेकिन हमारा सिस्टम है जनता को शिष्टाचार में रहना, सेवा करना, सेवा करना। जैसा फिर से जीत रहे हैं? हाँ जीत तो रहे। हमारे चैनल के माध्यम से अपना पंचायत के जनता से क्या कहना चाहिएगा? हम जनता से ही कहना चाहेंगे कि हम विनम्र निवेदन करते हैं आप लोग के सामने कि आप लोग के बीच में अगर अच्छा काम किए हैं तो अभी भर फिर रखिए, जो अधूरा काम रह गया उसको हम पूरा कर देंगे। अच्छा काम किए हैं मुखिया जी कह रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं? हमारा मुखिया गरीब वर्ग से गुजरे हैं, एक बार हमको मौका हम लोग दिए पंचायत का यानी प्रखंड तक इनको नाम हुआ, नाम हुआ पूरा प्रखंड जानते हैं कि सुरेश पासवान अगर हरिजन सीट आए विधायक तो हम लोग टिकट मिला तो हम लोग विधायक बनाएंगे, विधायक को बनाएंगे। बहुत अच्छा काम सुमनीय काम किया है। इस बार कितना वोट से जिता रहे हैं मुखिया में? कम से कम 1000 वोट से। 1000 वोट से? बिल्कुल। हम मुखिया 1000 का दावा कर रहे हैं आपके समर्थक, 1000 वोट से जिताएंगे। अब जीतने के बाद बदलना नहीं जाइएगा? नहीं जीतने के बाद हम बदलवे नहीं करेंगे, 5 साल पहले भी हम पंचायत समिति में थे। जो वादा कर रहे हैं वो वादा को निभाइएगा? पक्का वादा है कि हम जनता को हर वक्त सेवा में है और रहेंगे, रात हो या दिन हो। तो देखना यह है कि यहाँ पे 8 दिसंबर को मतदान है 10वां चरण में, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं इनके समर्थक कि 1000 वोट से जीतेंगे। ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई गाड़ी उड़ नहीं है, नहीं कमाए हैं, जनता का सेवा करना मकसद है, गाड़ी खरीदना नहीं, रुपया कमाना नहीं, जैसा कि सुरेश जी बोल रहे हैं। और महिला भी बोल रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं, हमेशा दुख सुख में आते हैं, हमेशा घर पे आते हैं, चाय पिलाते हैं, जैसा कहीं ना कहीं देखना, कहीं ना कहीं सभी वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है सुरेश जी को, मुनि देवी यहाँ से मुखिया उनको मिल रहा है। तो देखना है कि कितना समर्थन मिल रहा है, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए जे टी वी बिहार न्यूज़।